बेहद महत्वपूर्ण खबर से आज हम करने जा रहे हैं। दरअसल आज शाम 6 बजे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सहयोगी दलों को मिलेंगी मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी। मंत्रिमंडल विस्तार में कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के भी कई चेहरों को मौका मिल सकता है। आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कई नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यूपी उत्तराखंड से भी कई चेहरों को मौका मिल सकता है। खास तौर से यूपी से कहा जा रहा है कि 4 से 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। आज शाम 6 बजे सबकी निगाह टिकी हुई है कि किस तरह से सहयोगी दलों को भी हिस्सेदारी दी जाएगी। एससी एसटी ओबीसी नेताओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी किन चेहरों को चुना जाता है। तो केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और खास बात यह है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार ऐसे वक्त में हो रहा है जब कुछ समय के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में इस मंत्रिमंडल विस्तार को विधानसभा चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और इसके लिए पीएम मोदी ने 8 जुलाई तक की सारी बैठकें टाल दी हैं। सबसे अहम चुनाव उत्तर प्रदेश का ही होगा और सूत्र बता रहे हैं कि यूपी से कम 3 से ज्यादा सांसदों को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। और इसमें सबसे चर्चित नाम अपना दल एस के अनुप्रिया पटेल का है और उन्होंने हाल ही में अमित शाह से मुलाकात भी की थी। इसके साथ साथ रामशंकर कठेरिया का जिक्र आ रहा है, उनका नाम आ रहा है। वरुण गांधी का भी इसमें जिक्र चल रहा है कि उनको भी बुलाया गया है। कुछ और जो चर्चित नाम है, पूर्वांचल के बड़े जो सांसद हैं उनको भी दिल्ली बुलाया गया है। तो 3 से 4 चेहरों को जगह मिल सकती है मोदी कैबिनेट में। ये उत्तर प्रदेश से है, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सभी की निगाहें इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश से जगह किसको मिलती है। नाम बहुत से हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारियां हैं। नेताओं को फोन करके दिल्ली बुला लिया गया है और सांसद रवि किशन भी इसमें शामिल हैं। और दिल्ली में मंत्रिमंडल का विस्तार होना, 3 से 4 चेहरों को मौका मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ रहा है कि उनको जगह मिल सकती है। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। और आज शाम तक जो तस्वीर है वो भी पूरी तरह से साफ होने की उम्मीद है। तो ये वो कुछ नाम है जिनको दिल्ली बुलाया गया, जो दिल्ली में मौजूद रहेंगे। कुछ आज पहुंचने वाले हैं जिसमें रामशंकर कठेरिया है, एक लंबा उनके पास अनुभव भी है। इसके साथ साथ अपना दल से अनुप्रिया पटेल, रवि किशन का नाम सामने आ रहा है, वरुण गांधी यंग फेस। तो आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन मंत्री बन सकते हैं। एक एक करके उन नामों की चर्चा करते हैं जिनका नाम मंत्री पद के लिए चल रहा है। सबसे पहले बात अनुप्रिया पटेल की। अपना दल एस की नेता हैं और कुर्मी समाज से आती हैं, मिर्जापुर से हैं। मंत्री के रेस में अनुप्रिया पटेल का नाम लिया जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी की थी। यूपी की स्थिति को लेकर जब मंथन चल रहा था उस वक्त निषाद पार्टी और अपना दल एस, ये दो दल ऐसे थे जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन केंद्र में मांगा था और अनुप्रिया पटेल का इसमें नाम चल रहा है। अपना दल एस की नेता मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री, पूर्वांचल की कुर्मी वोटरों में इनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। बिल्कुल। इसके बाद अगर हम बात करें रामशंकर कठेरिया, इनका नाम भी चल रहा है कि इनको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये अनुसूचित जाति से आते हैं, इटावा से ये जो है सांसद हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले दूसरी सीट से लड़े थे लेकिन इस बार इटावा से इनको बीजेपी ने टिकट दिया और वहां से एक बड़े अंतर से वो जीते। और रिप्रेजेंटेशन अनुसूचित जाति का अब बढ़ाने की ये तैयारियां हैं। मोदी कैबिनेट का ये हिस्सा हो सकते हैं रामशंकर कठेरिया, एक बड़ा नेता, अनुसूचित जाति का एक बहुत बड़ा चेहरा है। और इस वक्त अनुसूचित जाति जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है उसके अध्यक्ष भी हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में ये राज्य मंत्री रह चुके हैं, इनके पास पहले भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है केंद्र में काम करने का और एक बार फिर से कैबिनेट का हिस्सा इनको बनाया जा सकता है। और तीसरा नाम देखिए किसका लिया जा रहा है, विनोद सोनकर। अनुसूचित जाति से आते हैं और कौशाम्बी से चुनकर आए हैं और कौशाम्बी से लगातार दूसरी बार सांसद चुने गए। भाजपा ने संगठन में राष्ट्रीय मंत्री इनको बनाया। भाजपा अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है कि विनोद सोनकर को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्री के रेस में कौन कौन है, अनुसूचित जाति में किसको आगे लाया जा सकता है, विनोद सोनकर। इसके अलावा कौन सा और ब्राह्मण चेहरा है, जरा इस पर भी निगाह डाल लेते। देवरिया से
रमापति राम त्रिपाठी, इनका नाम चल रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन के ये सदस्य हैं। एक बहुत लंबा अनुभव बीजेपी को, बहुत वक्त इन्होंने दिया है। 2007 से 2010 तक ये तो अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, लंबे वक्त से संघ से जुड़े रहे हैं और एक ब्राह्मण फेस है, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है देवरिया में, पूर्वांचल का ये हिस्सा, और लंबे वक्त से चूंकि संघ के साथ जुड़े हैं तो ऐसे में इस वक्त गिफ्ट मिल सकता है इनको। और रमापति राम त्रिपाठी को मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, ये रेस में है और काफी अच्छे दावेदार ये बताए जा रहे हैं। और अगला नाम किसका? शिव प्रताप शुक्ला। मंत्री के रेस में कौन कौन है? शिव प्रताप शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है, वित्त राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। 2007 से 2010 तक उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। संगठन में जबरदस्त काम इन्होंने किया है, लंबे वक्त से संघ से जुड़े हुए रहे हैं, संघ से निकले हुए नेता है, ब्राह्मण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, वित्त राज्य मंत्री का पद भी इससे पहले संभाल चुके हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला भी केंद्र में मंत्री बनाए जा सकते हैं। 2007 से 2010 तक यूपी भाजपा अध्यक्ष भी रह चुके हैं शिव प्रताप शुक्ला। और जो एक फीमेल चेहरा, जो महिला चेहरा सामने आ रहा है, रीता बहुगुणा जोशी का नाम इसमें आ रहा है और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, उन्हीं की पुत्री है रीता बहुगुणा जोशी। उनके भाई विजय बहुगुणा वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यूपी में पहले कांग्रेस का हिस्सा थे, उसके बाद बीजेपी में आए और ब्राह्मण चेहरा, बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, सांसद है। अगर इस बात की बात करें, इस वक्त उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के मिनिस्टर से माफ कीजिएगा, और पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी है। और इसके अलावा और चुनाव, हरीश द्विवेदी अगला नाम। मंत्री के रेस में कौन कौन है? भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, यूपी में बीजेवाईएम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा मोर्चा के कमान संभाल चुके हैं, बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों की जिम्मेदारी भी इन्होंने ही संभाली थी। तो उत्तर प्रदेश से कहा जा रहा है कि इस बार ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन बहुत मिल सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रह चुके हैं हरीश द्विवेदी, इनका भी नाम लिया जा रहा है कि केंद्र में इस बार उनको मंत्री बनाया जा सकता है। हरीश द्विवेदी के बाद पंकज चौधरी, इनका नाम देखिए, 6 बार के सांसद हैं, कुर्मी समाज से, कुर्मी से आते हैं, महाराज कुर्मी महाराजगंज से आते हैं और रेस में कुर्मी जो एक समुदाय से आते हैं महाराजगंज से हैं, 6 बार के सांसद हैं। ऐसे में मंत्री पद की रेस में ये भी है कि मोदी कैबिनेट में इनको भी हिस्सा मिल सकता है। कुल मिलाकर जातीय समीकरण को साधने का पूरा प्रयास, और इसी कड़ी में पंकज चौधरी का नाम भी रेस में है कि इनको भी मोदी कैबिनेट के विस्तार में जगह मिल सकती है। तो महाराजगंज से 6 बार के ये सांसद रहे, कुर्मी समुदाय से आते हैं, मंत्री पद के रेस में हैं। तो मोदी मंत्रिमंडल में फिलहाल यूपी से कितने चेहरे हैं, कहां कहां से सांसद बने हैं, ये हमने आपको बताया। देखिए मोदी कैबिनेट में अभी रैंक के कौन किस रैंक पर कौन है और यूपी से कौन कौन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से आते हैं, अमेठी से सांसद हैं जिन्होंने राहुल गांधी को हराया था, स्मृति ईरानी। तो बिल्कुल, कैबिनेट रैंक के मंत्री कौन कौन से जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं? स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज संतोष गंगवार श्रम और रोजगार मंत्री हैं इस वक्त केंद्र में, बरेली से सांसद चुने गए, उत्तर प्रदेश से आते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज सीनियरिटी काफी है, संतोष गंगवार की केंद्र में इस वक्त मंत्री है। तो मौजूदा कैबिनेट में किन किन को जगह मिली है, उत्तर प्रदेश से कौन ताल्लुक रखता है, उनके नाम इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और राज्य मंत्री कौन है जरा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में फतेहपुर से आती है साध्वी निरंजन ज्योति, इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर से सांसद है संजीव कुमार बालियान वो है, और जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से वो सांसद हैं और सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री हैं। तो ये राज्य मंत्री हैं, ये भी कैबिनेट का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश से आते हैं। चलिए अब मोदी मंत्रिमंडल का जो अंक गणित है वो आपको बता देते हैं। कुल 24 कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त, 2019 में पीएम समेत 58 मंत्री हैं। राज्य मंत्री कितने हैं? स्वतंत्र प्रभार इंडिपेंडेंट चार्ज 9 राज्य मंत्री इस वक्त हैं। राज्य मंत्री 24 हैं इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में 58 के आंकड़े में से। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं 24 है उनकी संख्या। तो अभी तक मोदी मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 58 मंत्री हैं और कितने मंत्रालय सीनियरिटी के हिसाब से किसके पास है वो अंक गणित हम आपको बता रहे हैं। ये कैबिनेट मंत्री देखिए 53 मंत्री कुल हैं 2021 में और 20 इसमें कैबिनेट मंत्री है, ये अंक गणित है। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की हम बात करें तो ये 9 है, 9 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्री हैं इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल का, ये अंक गणित है। जबकि राज्य मंत्रियों की बात करें तो उनकी संख्या है 53 मंत्री हैं, 81 तक पहुंचा जा सकता है। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य हो सकते हैं। तो चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में 81 सदस्य तक हो सकते हैं। मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तो कहा गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस,
फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 53 मंत्री हैं और इस बार किन को शामिल किया जाएगा इस पर निगाह है। 28 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। 81 में से अगर आप देखें तो 28 मंत्री अभी और हैं जो बनाए जा सकते हैं। इस बार 17 से 22 मंत्री जोड़े जा सकते हैं, अलग अलग राज्यों से 17 से लेकर 22 मंत्री जोड़े जा सकते हैं। किस राज्य को कितने मंत्री मिलेंगे, कौन से राज्य को कितना रिप्रेजेंटेशन केंद्र में मिलेगा, इसकी तस्वीर आज शाम 6 बजे साफ हो जाएगी। तो मोदी मंत्रिमंडल का अंक गणित हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, तो कुल 28 जो पद हैं वो भरे जा सकते हैं और 17 से 22 के नाम जोड़े जा सकते हैं, अभी ये चर्चा है। आइए अब आपको मोदी मंत्रिमंडल में संभावित रूप से शामिल होने वाले कुछ मंत्रियों के बारे में बता दें। तो तीरथ सिंह रावत देखिए उत्तराखंड से मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ वक्त पहले इस्तीफा दिया है। गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था अपने पद से। 1997 से राजनीति में सक्रिय, संगठन के आदमी कहे जाते हैं। दो बार के विधायक, एक बार के सांसद हैं और भुवन चंद्र खंडूड़ी के शिष्य ये माने जाते हैं। इसके अलावा सर्वानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे हैं असम के और 2016 से 2021 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इनको कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, हालांकि इसमें विपक्ष ये कहता है कि ताकि असम में सरकार टूट ना जाए इसलिए सर्वानंद सोनोवाल को केंद्र में जगह दी जा रही है। ताकि असम में सब कुछ ठीक रहे तो सर्वानंद सोनोवाल को महत्वपूर्ण कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और माजुली से ये विधायक। इसके साथ साथ 59 साल के मोदी सरकार में एक और मंत्री रह चुके हैं। नवंबर 2014 में खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। अगला नाम जिनका सामने आ रहा है सर्वानंद सोनोवाल के बाद वो हैं सुशील कुमार मोदी, बीजेपी का अहम चेहरा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, 3 दशक से राजनीति में सक्रिय है, लंबा चौड़ा अनुभव उनका। वित्त मामलों और जीएसटी के जानकार माने जाते हैं। 3 बार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, 1 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा से भी सांसद चुनकर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव, उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुशील कुमार मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम कौन सा सामने आ रहा है, नारायण राणे, बीजेपी के अहम नेता, राज्यसभा से स्वतंत्र सांसद हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं। महाराष्ट्र से अहम चेहरा, 31 साल का अनुभव, ओवरऑल पॉलिटिक्स में मराठा चेहरा है, कोंकण इलाके में भी इनका जनाधार माना जाता है। शिवसेना के खिलाफ काफी मुखर रहते हैं, कई बयानों के लिए जाने जाते हैं। 1990 से लेकर 2014 तक लगातार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। फरवरी से अक्टूबर 1999 तक 1 साल के लिए महाराष्ट्र के सीएम भी रहे हैं। इसके अलावा जो और नाम है उसमें अनुप्रिया पटेल का है, अपना दलेस से आती हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर से लोकसभा सांसद हैं। मोदी सरकार 1 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ये रह चुके हैं। 2014 से लेकर 2019 में मिर्जापुर से अपना दलेस से सांसद बनी। पति आशीष पटेल एमएलसी हैं, दिग्गज कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की ये बेटी हैं, पुत्री हैं, 2 बार सांसद, 1 बार विधायक, 9 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, एमपी से राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मंत्री माधव राव सिंधिया के बेटे हैं, 20 साल से सक्रिय हैं, साल 2002 से 2019 तक 4 बार गुना से सांसद रहे, यूपीए 1 और 2 में मंत्री रहे, ग्वालियर और चंबल की 34 सीटों पर जबरदस्त असर है। मार्च 2020 से बीजेपी में एमपी में तख्ता पलट के मुख्य सूत्रधार रहे, एमपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने का बहुत महत्वपूर्ण अंग रहे, एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए इनको पुरस्कार मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या जगह मिलेगी और किस रैंक से उनको नवाजा जाएगा, यह सबसे दिलचस्प रहेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि विस्तार के बाद मोदी सरकार का मंत्रिमंडल आखिर कैसा होगा। जिस मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है उसको स्वरूप कैसा होगा, शासन और व्यवस्था को और अनुभव को तरजीह दी जाएगी, युवाओं पर जोर रहेगा। विस्तार के बाद सबसे युवा मंत्रिमंडल ये कहलाएगा और सबसे अहम बात, महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो इस बार और बढ़ाया जा रहा है। साथ ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एमबीए, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को शामिल किया जा रहा है जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक शिक्षा, एक पढ़ाई लिखाई, उस पर काफी जोर। बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मराठवाड़ा, कोंकण जैसे इलाकों की हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाएगी। छोटे से छोटे समुदायों को प्रतिनिधित्व, जैसे कि यादव, कुर्मी, जाट, बहार, पासी, कोरी, लोधी, 2 दर्जन ओबीसी या फिर पिछड़ा वर्ग के मंत्री इस विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। एससी का सरकार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, अनुसूचित जातियों का अब तक की सरकारों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इस बार होने जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है।
अब आपको बड़ी खबर दे दें, बीजेपी सांसद गोरखपुर से सांसद रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है। रवि किशन को दिल्ली से फोन है, मंत्रिमंडल विस्तार के बीच में रवि किशन को दिल्ली बुलाया गया है, रवि किशन को भी दिल्ली बुलाया गया है, ये एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश से कई नाम इस वक्त चर्चाओं में है जिनको मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस विस्तार में जगह दी जा सकती है। इसी कड़ी में सांसद रवि किशन को दिल्ली से बुलाया गया है, उनको फोन किया गया है कि आप दिल्ली आइए, और इसीलिए अब अटकने और कयास और तेज हो गए हैं कि क्या रवि किशन भी मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएंगे। तो कुछ को दिल्ली बुलाया जा रहा है, लेकिन अब यह भी जान लीजिए कि यूपी से आने वाले कौन कौन से वो सांसद हैं जो फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं। शिव प्रताप शुक्ला इस वक्त दिल्ली में ही है, सत्यदेव पचौरी, रामशंकर कठेरिया, इसके अलावा पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, ये सभी दिल्ली के अंदर हैं। और अब जानिए कि आज कौन कौन से सांसदों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है, जिसमें सकलदीप राजभर, विनोद सोनकर, हरीश द्विवेदी से लेकर रवि किशन, एसपी बघेल, प्रवीण निषाद, राजेश मिश्रा टेनी और रमापति राम त्रिपाठी। इसी कड़ी में दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर एक बड़ा फैसला हो सकता है। बड़ी बैठक मोदी कैबिनेट की सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हर तरफ है कि कोरोना काल शुरू होने के बाद करीब एक साल पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोक दिया गया था, वहीं अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आज इस पर कैबिनेट की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार होना है शाम को, उससे पहले मोदी कैबिनेट की बैठक, डीए को लेकर, कर्मचारियों के डीए को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सुबह 11 बजे कैबिनेट की जब बैठक शुरू होगी, सबकी निगाहें होंगी कि कैबिनेट की बैठक से निकलकर क्या आता है, ये दिल्ली से बड़ी खबर। मंत्रिमंडल विस्तार आज होना है, उससे पहले मंत्रिमंडल की ही बैठक बुलाई गई है, और इसमें कर्मचारियों के डीए को लेकर बताया जा रहा है बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली से यह खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मोदी कैबिनेट की बैठक आज 11 बजे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर तैयारियां हो गई थी, सह प्रशासन के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी तैयारियों में जुट गए हैं, और आज पार्टियां, राजनीतिक दल घोषित करेंगे उम्मीदवारों का नाम। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए आज से पर्चे मिलेंगे। 826 ब्लॉक प्रमुख के पद पर चुनाव होना है, और प्रशासन के साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। 8 जुलाई को, 8 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा, 9 तारीख को नाम वापसी का दिन, जबकि 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे और परिणाम भी उसी दिन यानी कि 10 तारीख को घोषित किए जाएंगे, और आज सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगे। और सीधा अब आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। एक तरफ जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए शैलेश, तो बीजेपी काफी उत्साहित है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिला पंचायत अध्यक्ष उसी ने बनाए, लेकिन अब जिस लोकल बॉडी पर नजर है वो है बीडीओ का चुनाव। किस तरह की कवायदे और तैयारियां पार्टी के भीतर चल रही है? देखिए, ब्लॉक प्रमुख की अगर बात करें तो कल भाजपा की अगर बात करें तो कल देर रात तक बैठक चलती रही मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की, जिसमें प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। इससे पहले भी दिन भर बैठकों का दौर चला, जिसमें देखिए 826 पद हैं ब्लॉक प्रमुख के, लेकिन जो चुनाव होगा वो फिलहाल 825 पर हो रहा है, एक पर अभी नहीं होगा। तो उन सबके नाम पर पहले मंथन हुआ, उसके बाद देर रात तक बैठक चली, और सूत्रों की माने तो जिलों को सूची भेज दी गई है और आज ऑफिशियली वो सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी पार्टी की तरफ से कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे। इसमें कई जो पार्टी के विधायक, सांसद या उनके परिवारिक जन हैं विधायक, सांसद के या मंत्री के, उनको भी मौका मिल सकता है, उनके नाम आज सामने आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भी जो उसके चेहरे हैं पार्टी के, उनके नाम सामने लेकर आएगी। और निश्चित रूप से जो पंचायत चुनाव की अगर बात करें, देखिए हमेशा इतिहास में अगर देखिए, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे भाजपा पास्ट में रही हो, जब भी चुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी दल है उसका पलड़ा भारी रहता है। इस बार के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए उसमें भी हमने तस्वीर देखी कि सदस्य भले सपा के ज़्यादा थे, लेकिन जब अध्यक्ष बनाने की बात आई तो भाजपा का पलड़ा भारी हो गया। तो ये मानकर चलिए कि जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हैं इसमें भी कुछ वैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है, लेकिन चुनाव है, जाहिर सी बात है कि मतदान होगा, उसके बाद नतीजे आएंगे, क्योंकि 76,000 से ज़्यादा जो सदस्य हैं उनको इसमें वोटिंग करनी है, नतीजे सामने आएंगे। कल से नामांकन देखिए शुरू हो जाएगा, 8 तारीख को, 9 तारीख को नाम वापसी होगी, और 10 तारीख को दोपहर 3 बजे तक चुनाव, 3 बजे के बाद मतगणना।
मानकर चलिए कि इस बार जो पूरा चुनाव है, जो भाजपा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है कि चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उनके परिवारजनों को या उनसे जुड़े लोगों को टिकट देने का, उसके पीछे एक ही वजह है, मुख्य विधानसभा चुनाव, किसी के मन में नाराजगी ना रहे, कोई असंतुष्ट ना रहे, सारे समीकरणों को साधा जा सके। ये एक बड़ा संदेश जाएगा कहीं ना कहीं इस चुनाव से, और भाजपा पूरी तरह से उसे विश्वास है, उम्मीद है कि इस बार कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बनाए रखना है और बढ़ाए रखना है, और ये संदेश पहुंचाना है कि सालों साल जो पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी समय आने पर उनको भी मौका देती है जनसेवा का। बहुत शुक्रिया शैलेश, आप नजर बनाए रखिए। उधर एक बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी कर सकती है एमएलसी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कल देर रात सीएम आवास पर प्रदेश कोर कमेटी की बैठक हुई है और उसी बैठक में बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर मंथन हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए नामों का ऐलान किया जाएगा। जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी से एक नाम का ऐलान हो सकता है। 2022 विधानसभा को देखते हुए नामों का ऐलान किया जाएगा और खास बात यह कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से फैसला लिया जाएगा। जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी से एक नाम हो सकता है।